नमस्कार दोस्तों, अपन किचन में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों तो देखिए, आज हम लोग का कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जलाशय में स्नान करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो मैं तो ज्यादा कुछ नहीं करती हूँ, सिर्फ जनकपुर में ही गंगा सागर महाप्रसिद्ध है, तो चलिए मैं वही चलती हूँ, गंगा सागर पोखर जलाशय में स्नान करने। तो देखिए, इसमें कपड़ा वगैरह ले ली हूँ, तो मैं चल रही हूँ, आने के बाद दिखाएंगे कि किस तरह से हम लोग मनाते हैं। हैप्पी कार्तिक पूर्णिमा। तो चलिए, 5 बजे मॉर्निंग में मैं घर से निकल गई हूँ। तो घर से निकल करके ना मैं रोड का सीन थोड़ा सा आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो मैं सोच रही थी कि 5 बजे मॉर्निंग थोड़ा ज़्यादा ही सवेरा है, लेकिन मैं यहाँ आई तो बहुत से लोग स्नान करके जा रहे थे। तो देखिए, मैं इस तरह से कैमरा को चारों तरफ घुमा दी तो एकदम अंधेरा अंधेरा ही दिख रहा है रोड पर। तो चलिए, 5:15 बजे तक मैं गंगा सागर पहुँच गई। तो देखिए, घाट पर एकदम अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था। फूल माले वाले भैया लोग अपना मोबाइल से फूल माला बेच रहे थे। देखिए, घाट पर लोग नहीं दिख रहा है, एकदम अंधेरा है। सभी लोग स्नान कर रहे हैं और देखिए, यहाँ पर सभी लोग गंगा माता का पूजा कर रहे हैं दीप जला करके। हमको लगता है 2 बजे रात से ही गंगा सागर में लोग डुबकी लगा रहे हैं। उसके बाद फिर मैं शिव बाबा को जल चढ़ाने आई थी। यहाँ तो मंदिर बंद ही था, दूसरे गेट से बाबा को सभी आदमी जल दे रहे थे चढ़ाने के लिए। मैं भी दी, बाबा मेरा भी जल चढ़ा दी। उसके बाद बाबा बंद कर दिए, क्योंकि बाबा मंदिर का सफाई करने जा रहे थे, लेकिन लेडीज का लाइट कुछ ही नहीं रहा था। तो ये आपको 6 बजे मॉर्निंग का टाइम, ये आपको मॉर्निंग 6 बजे का टाइम है। देखिए यहाँ पर कितना भीड़ है, सो आवाज़ आप लोग सुन लीजिए और देख लीजिए कितना भीड़ है 6 बजे सवेर में। चलिए, मेरा शिव मंदिर में पूजा पाठ सब सम्पन्न हो गया। फिर चलिए गंगा घाट पर मैं चल रही हूँ आप लोग को लेकर के। अभी थोड़ा सा सीन दिखाऊंगी आप लोग को। तो ये जनकपुर का गंगा सागर शिव मंदिर, तो यहाँ पर दर्शन कर लिए। अब सवेरा हो गया, फूल माले वाले भैया लोग भी दिख रहे। देखिए गंगा घाट पर भीड़ अभी भी देखे। तो कहा जाता है ना, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर ना गंगा में सूर्योदय से पहले डुबकी लगाना पड़ता है, इसलिए ही 2-3 बजे रात से गंगा सागर में बहुत भीड़ था। लेकिन मैं तो 5:15 में आई, मेरा भी डुबकी सवेर में ही लगा, सूर्योदय से पहले भी लगा, अभी तक सूर्य नहीं उगा हुआ है। तो आप लोग के इधर भी कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर इसी तरह से स्नान करते हैं सूर्योदय से पहले कि कैसे, सो हमको कमेंट कीजिएगा। तो जनकपुर के लोग ना बहुत धर्म से जुड़े हुए, एकदम धार्मिक विचार के लोग हैं। तो यहाँ पर ना अक्सर सभी लोग कार्तिक पूर्णिमा के लोग आते ही स्नान करने के लिए, और गंगा माता का पूजा भी बड़ी श्रद्धा से करते। देखिए, मैं जा रही थी तो यहाँ पर देखिए कि सभी महिला गंगा माता का खोइंच भी भर रही थी और 31 ठो बत्ती जलाकर पूजा कर रही थी। खासकर जो महिला कार्तिक स्नान करती है, सो महिला 31 ठो दीप प्रज्वलन करती है। और मैं थोड़ा सा देखी कि लोग अपना बहुत ही श्रद्धा से गंगा माँ का पूजा कर रही थी। तो ऐसा पूजा तो मैं बोली ना 3 बजे भोर से ही हो रहा है और 12 बजे तक चलेगा। चलिए, मैं गंगा सागर से निकल करके डिहबार मंदिर में गई। तो यहाँ पर भीड़ वैसा ही था, तो यहाँ पर मैं फूल जल माला वगैरह चढ़ा करके फिर मैं डिहबार मंदिर में से निकल गई। तो देखिए, यहाँ से भी गंगा सागर का भीड़ देखिए कितना है। सारे जनकपुर में एकदम आज इसी तरह से भीड़ है। फूल माले वाले भैया का भी आज बहुत बिक्री हो रहा है। ये तो मैं बता दूं कि जनकपुर में बहुत से जलाशय और बहुत से मंदिर, तो हर जगह भीड़ ही भीड़ होगा आज। तो चलिए, इसके बाद मैं राजा रामचंद्र जी के मंदिर में प्रवेश कर रही हूँ। तो यहाँ पर भी फूल माले वाला प्रसादी वाले का भीड़ देखिए। तो चलिए, अब राजा रामचंद्र जी का पहले मैं दर्शन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर राजा रामचंद्र जी का श्रृंगारी हो रहा था, लेकिन मंदिर में भीड़ उतना ही है, सभी लोग आते हैं अपना दर्शन करके जा रहे हैं। उसके बाद फिर राजा रामचंद्र जी का कुल देवी माता राजदेवी मंदिर में मैं आई, तो यहाँ पर भी भीड़ था। तो यहाँ पर भी मैं पूजा फूल वगैरह चढ़ा दी। तो महाराज देवी मंदिर के पीछे से मैं निकल रही हूँ। तो देखिए, यहाँ से निकल करके देखिए, माता जी का शयन कक्ष है, यहाँ पर माता रानी सोती हैं। तो चलिए, माँ राजदेवी का भी दर्शन बहुत अच्छा से हो गया। पूर्णिमा के अवसर पर ना यहाँ मांगने वाले भैया लोग ज़्यादा ही रहते हैं, लेकिन अभी ठंडा के चलते अभी थोड़ा सा कम ही भीड़ है, लेकिन और बढ़ेगा। और लास्ट में देखिए, मैं जानकी मंदिर में पहुँच गई माँ जानकी का दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर भीड़ वैसा ही था, कम नहीं था। उसके बाद फिर ये देखिए, शालिग्राम का मंदिर है, यहाँ भी श्रृंगार हो रहा था। थोड़ा सा मैं बाहर से ही आप लोग के लिए क्लिक कर ली। ये 1.25 लाख शालिग्राम है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर दान पत्र अखंड राम नाम होता है, तो कुछ दान लोग करते हैं। तो मैं भी पूर्णिमा के पूर्णिमा कुछ जरूर दान करती हूँ। दान करते समय यहाँ पर अक्षत चंदन पुष्प दिया जाता है। इस अक्षत को न चावल में खीर और बनाते समय डालकर प्रसाद खा लेना चाहिए। तो लीजिए, मेरा जानकी माता का भी दर्शन हो गया, एक बार परिक्रमा भी लगा ली। तो चलिए, अब मैं जल्दी से मंदिर से निकल रही हूँ, कहे कि पूर्णिमा का रोज तो बहुत बिजी हो जाती हूँ। तो लीजिए, मंदिर तो बंद ही था, तो आप लोग भी माँ जानकी का दर्शन कीजिए और चलिए आप लोग मेरे साथ मेरे घर आओ। तो घर आते ही सबसे पहले घर का पूजा रेगुलर पूजा कर ली। उसके बाद मैं किचन में आ गई, तो देखिए सबसे पहले कढ़ाई को गैस पर डाल दी, घी डाल करके। चलिए, प्रसाद के लिए पहले आटा को मैं भून लेती हूँ। और इधर देखिए, मेरा दूध भी खोल गया, इधर आटा भी भुना रहा है। मंदिर से आए हैं, पूजा किए हैं, प्रसाद के लिए
आटा भून रहे हैं। चलिए अब पूजा की तैयारी जल्दी से कर रहे हैं, पंडित जी बोले हैं 8 बजे करने के लिए। और उसमें मेरी हाउस हेल्पर ना गंगा स्नान करने बाहर चली गई है, सारा काम अकेले करना पड़ता है, तो मैं 3 बजे ही सवेर में जगी हूँ। मुझे इधर गुड़ मिला करके आटा में प्रसाद बना ली और दूध में भी गुड़ डाल दी और इधर केला डाल करके देखिए इधर घरुआ प्रसाद बना लेती हूँ। हम लोग इधर ना सत्यनारायण भगवान के पूजा में ना और कुछ जितना भी कुछ बनाइए लेकिन ये घरुआ प्रसाद जरूरी बनता है। प्रसादी बन गया, चलिए पूजा करने चल रहे। तो लीजिए इधर पूजा शुरू हो गया, पंडित जी पूजा करा रहे हैं। तो पूजा हो गया तो मैं अपने हस्बैंड को बोली कि तौलिया माथा पर काहे नहीं रखे हैं, तो फिर तौलिया रखे हैं। उसका चलिए प्रसाद दे रही हूँ, कहे कि अब सत्यनारायण भगवान को सारे प्रसाद भोग लगाने के बाद तब कथा शुरू होगा। सारे प्रसाद में तुलसी पत्र डाल करके सत्यनारायण भगवान का भोग लगा दिए, देखिए उसके बाद कथा भी संपन्न हो गया। तो चलिए इधर मैं आरती की थाली सजा ली हूँ, पान पर फूलबत्ती और कपूर डाल करके घी का बत्ती प्रज्वलन कर लें। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब आरती हो रहा है। हाथ उठाओ दारे पर, ओम जय जगदीश। कुछ 4 बार सत्यनारायण भगवान की आरती करके फिर कुल देवता के पास आ करके कुल देवता का आरती उतारते हैं, प्रसाद उतार देते हैं। उसके बाद फिर सत्यनारायण भगवान का पुनः आरती करते हैं। उसके बाद यहीं से जानकी महाराज जी माता गौरी माई सारे मंदिर को आरती दिखा दिए, तो मैं भी सत्यनारायण भगवान को आरती दिखा देती हूँ। मैं आरती दिखा रही थी तो मेरे हस्बैंड संग कितना अच्छा बजाते हैं, आवाज़ सुनिए। कहा जाता है कि जहाँ तक संग की आवाज़ जाता है वहाँ तक ना काल कष्ट सब दूर भागता है। तो लीजिए सत्यनारायण भगवान का पूजा संपन्न हो गया तो मैं भी फूल वगैरह चढ़ा दिए। चलिए अब आरती उच्चरण करके पहले सत्यनारायण भगवान को दिखा देते हैं, उसके बाद फिर पंडित जी को दिखा देंगे, उसके बाद फिर तब हम लोग भी ले लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स आप लोग जहाँ से वहीं से आरती ले लीजिए, मैं भी ले ली। जितना पूजा हुआ था उसका विसर्जन हो रहा है। तो लीजिए अब दक्षिणा का कार्यक्रम भी संपन्न हो गया, तो अब रक्षा सूत्र बांधने का कार्यक्रम हो रहा है। लीजिए अब सारा चीज़ संपन्न हो गया। उसके बाद देखिए पतिदेव ने पंडित जी को चनामृत दिए, फिर पंडित जी पतिदेव को चनामृत दिए, उसके बाद फिर लीजिए अब मैं आप लोग के लिए पहले चनामृत ली, पहले आप लोग ले लीजिए उसके बाद मैं भी चनामृत ले ली। तो अब मैं यहाँ पर प्रसाद लगा दी, तो पहले पंडित जी को पतिदेव प्रसाद दिए, उसके बाद फिर पंडित जी इनको प्रसाद दिए, तो प्रसाद का कार्यक्रम भी संपन्न हो गया। बड़ा पूजा कीजिए या छोटा पूजा, अकेले हो जाने के चलते थोड़ा सा भीड़ हो जाता है। इधर मैं खाना भी चढ़ा दी, क्योंकि इधर दाल सीटी मार रहा है, इधर आलू गोभी का मैं भुजिया बना ली और इधर चावल को भी धो दी, क्या कि हस्बैंड बोले कि जल्दी खाना बना लो हमको निकलना है। और इधर देखिए सरसों का साग है, तो चलिए अब मैं साग को धोकर काट लेती हूँ। तो लीजिए मेरा सारा खाना पक चुका है, इधर सरसों का साग भी बन गया, तो अब मैं जल्दी से खाना को लगा देती हूँ। तो खाना में है दाल चावल आलू गोभी का भुजिया सरसों का साग और घी। देखिए जारा थोड़ा ही आया कि घी जमने लगा, और आंवला का सीजन है तो आंवला का अचार भी है। तो लीजिए अब मैं खाना सर्व कर रही हूँ। तो मेरा वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर हस्बैंड को खाना खिलाने के बाद अब मैं प्रसाद खा रही हूँ। चलिए कुल देवता का प्रसाद है, सो पहले हम खा लेते हैं। तो पूजा प्रसाद संपन्न हो गया, इधर कुल देवता का प्रसाद है तो ये भी खाना पड़ेगा। और आप लोग के लिए मैं थोड़ा सा ही केला के पत्तल पर प्रसाद लगाई हूँ। तो कार्तिक पूर्णिमा का ना यहाँ बहुत ही महत्व है, तो आइए कार्तिक पूर्णिमा पर हम देखिए यहाँ पूजा पाठ किए हैं। लीजिए पहले आप लोग प्रसाद खाइए। हैप्पी कार्तिक पूर्णिमा।